हारना बुरी नहीं अच्छी बात है, बताती है कृष्ण की यह कहानी। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच में भारत इंग्लैंड के हाथों हार गया। इस पर तमाम भारतीय क्रिकेट प्रेमी टीम को कोस रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र सहज ही याद हो आता है। मथुरा की एक कैद में माता देवकी के गर्भ से जन्मे कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है उनके रणछोड़ बनने का। जी हां, एक बार कृष्ण भी युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे, फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। यह है कृष्ण के रणछोड़ बनने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके श्वसुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालेवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालेवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालेवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालेवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतांबर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालेवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा देवताओं के वरदान का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालेवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालेवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूद्रा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं।